आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में यहां पर चर्चा होगी कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार बंद होने से पहले कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है कि आने वाले समय में कम्युनिटी बाजार और कैसे ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़त जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना आज सुबह वाले लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो अब सोना यहाँ पर सस्टेन हो जाएगा, आगे फर्दर प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर यहाँ पर करेक्शन आएगी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अमित जी, सबसे पहले अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन हो रखे हैं, तो क्या यहाँ पे आगे फर्दर और प्राइस अप जाएंगे या फिर यहाँ पे करेक्शन कभी भी आ सकती है? जी देखिए, अभी भी मैं समझता हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने निचले स्तरों के आसपास ही चल रहा है, तो इसके चलते हमने देखा है और मुझे लगता है कि ये जो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है या करेक्शन कॉल की, तो वो कुछ टाइम और जारी रहेगी। और 2051,150 तक मिले और उसके बाद 51,200 तक भी जा सकती है प्राइजेस। साथ ही चांदी में मेरा मानना है कि 62,500 का स्तर अब तक छुआ नहीं है, तो वो एक लेवल हमें शॉर्ट टर्म में लेना हो सकता है, इसलिए मैं दोनों में ही फिलहाल बाइंग वन डच रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। जी अमित जी, क्रूड में भी देख रहे हैं कि क्रूड में भी लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, क्या क्रूड के प्राइसेस यहाँ से अभी और ज्यादा बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा देखिए फंडामेंटली अगर देखा जाए कि यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से फिलहाल जो रशियन क्रूड है उसके दाम लगाने से मना किया है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो जो गैसोलीन की इन्वेंट्रीज है या फिर हीटिंग ऑयल और डीजल की इन्वेंट्रीज है यूएस में, वो अभी कहीं ना कहीं डिक्लाइन दिखा रही है और साथ ही ओवरऑल पिछले एक से डेढ़ महीने में काफी भारी गिरावट हुई है। और चूंकि समर ड्राइविंग सीजन अप्रोच कर रहा है यूएस में, तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज काफी मांगे रखती है, इसके चलते कच्चे तेल में एक अंडरलाइन थीम तेजी की हो सकती है और हम स्विंग्स बड़े देखेंगे क्योंकि फंडामेंटली फिलहाल मिक्स है, लेकिन मैं कहूंगा कि मिक्स को पॉजिटिव बायस के साथ चला जा सकता है, यानी अगर 8,600 के नीचे के दाम देखें तो वहां पर बाइंग की जा सकती है और शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 8,600 के ऊपर निकलते ही हम दोबारा 8,900 तक भी दाम को जी। अमित जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि $8.8 और $8.9 पर यहाँ पे नेचुरल गैस सस्टेन है, तो क्या फर्दर माइल्ड वेदर की वजह से प्राइसेस डाउन जाएंगे या फिर यहीं पे अभी बने रहेंगे? जी मेरा मानना है कि हमने लगभग जो पिछले ऑल टाइम हाई से वो ऑलमोस्ट कर रहे हैं और उससे काफी कम है, तो यही एक तेजी का रुख फिलहाल जारी रहेगा नेचुरल गैस में। शॉर्ट टर्म बेसिस 673 से 675 की जोन में जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रही है प्राइसेस, तब तक अपसाइड में हमें दोबारा 693 से 695 तक के लेवल देख सकेंगे, तो मैं यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप की सलाह देना चाहूंगा और अपसाइड में जो रिसेंट हाई देखे गए थे लेटर हो सकते हैं। जी अमित जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में अभी ऐसी मिला जुला रुझान रहेगा या फिर बेस मेटल्स में यहाँ पे तेजी बनेगी आगे? देखिए मेरा मानना है कि बेस मेटल्स में हमें हो सकता है एल्यूमिनियम में गिरावट देखने मिले और जिंक में थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन कॉपर जो है यहाँ से 2 से 2.5 रुपए नीचे जाके संभाल सकता है। अगर मैं जून वायदा की बात करूँ, क्योंकि मई वायदा जो है इस बारी की तरफ बढ़ रहा है, तो जून वायदा में हमें 768 से 766 के करीब एक सपोर्ट एरिया दिख सकती है और दोबारा वहां से तेजी बिल्डअप होने के आसार हो सकते हैं 775 से 76 के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 रुपए की अगर गिरावट मिलती है तो एस्टिमेट क्लियर हो सकता है और अपसाइड में 776 तक लेवल भी सेटल हो सकता। जी अमित जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? जी फिलहाल मैं नेचुरल गैस में बाय देना चाहूंगा, जो हमारे डिस्कशन हुई और हमसे फूड में कच्चे तेल में उनके चला जा सकता है, तो एक तरह से एनर्जी कॉम्प्लेक्स में फिलहाल बाइंग के रिकमेंडेशन। जी
तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज की, यहाँ सब अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि अब एग्री कमिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे सोयाबीन से। अमित जी, सोयाबीन देख रहे हैं कि 1680 से 1690 के दायरे में ट्रेड करती नजर आ रही है यूएस सोयाबीन की अगर बात की जाए। वहीं पे सी का बयान आया था कि जो उत्पादन अनुमान है, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है, वो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन एस्टिमेट से थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसे में अब सोयाबीन के प्राइसेस आगे क्या रहेंगे? जी और देखिए, मेरा मानना है कि जो मेजरली एग्री कमोडिटीज में हम एक्सपोर्ट बैंक से बात कर रहे हैं, काफी सारी एग्री कमोडिटीज, उसके चलते सेंटिमेंटली फिलहाल जो भारतीय बाजारों में प्राइसेस हैं अक्रॉस द बोर्ड आज नरमी दिखाई दे रही है, या पिछले एक या दो सेशन से मैं कहूंगा कि नरमी का रुख है। मेरा मानना है कि सोयाबीन हो या रिफाइंड सोयल हो, उसमें नरमी के आसार दिखेंगे। भारतीय बाजारों में ये हो सकता है कि हम 7000 के नीचे भी मोमेंटरीली जो है सोयाबीन प्राइस को स्लिप होता हुआ देख सकते हैं। वही रिफाइंड सोयल हो सकता है 1530 से 1520 तक जाता हुआ देखेंगे। लेकिन हालांकि मैं पोजिशनली इसे करेक्शन मानता हूँ, और ओवरऑल अगर मैं 2 से 3 महीने का रुझान देखूँ तो मुझे लगता है कि दोबारा हम 7000-7500 तक जा पाएंगे। लेकिन इस हफ्ते की बात करूँ या तीसरे हफ्ते की, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल जो रुख है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जी अमित जी, भारत सरकार ने भी खाद्य तेलों पर वो कर दिया है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको 2 साल के लिए घटा दिया है, कि 2 साल तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं रहेगा एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर। तो इसका असर पूरे ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक पर कितना देखने को मिल पाएगा? एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि 4 से 5 सालों के बाद कम से कम डिसीजन देखने मिला है। तो मेरा मानना है, जिस प्रकार मैंने अभी तक डिस्कस किया कि रिफाइंड ऑयल पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा, हालांकि यहाँ से मैं समझता हूँ ओवरऑल 3 से 4 फीसदी की और गिरावट हो सकती है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि प्राइसेस संभल जाएंगी, क्योंकि अभी डिमांड सप्लाई बैलेंस जो है वो प्राइसेस के ऊपर जाने के फेवर में है। लेकिन क्योंकि मेन में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके चलते हमें 3 से 4 फीसदी की और गिरावट देखने मिलेगी, जिसके बाद प्राइसेस संभल सकते हैं, दोबारा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। जी अमित जी, मसालों में क्या लगता है? आज देख रहे हैं कि हल्दी में ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है, और जो धनिया और जीरा है वो भी कुछ गिरावट के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अब मसालों में कैसा रुझान रह गया यहाँ पे ओवरऑल? जी देखिए, धनिया जो है और हल्दी है, इन दोनों में थोड़ा सा वीक रुझान भी देखने मिलेगा। मैं हल्दी की स्पेसिफिकली करूँ तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मैं सरोंग दाली प्रेफर करूंगा, लगभग 7300 से 350 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने मिलेंगे। धनिया में हालांकि मुझे लगता है कि 1.5 से 2 फीसदी की और गिरावट है, जिसके बाद प्राइस समझ सकती है। लेकिन हल्दी में करंट लेवल से भी जो ट्रेंड रहेगा आने वाले के लिए वो ज्यादा साइडवेज टू लोअर रहेगा, यानी हर उछाल से हम रिकॉर्ड जाते हुए देखेंगे। वहीं अगर जीरे की बात है तो हमने 1 से 1.5 महीने तक एक दायरा देखा है, जो दायरा 20,800 से 22,300 का रहा है। क्योंकि हम रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में आपसे जो शूट होते हैं डायरेक्ट अभी निश्चित करोगे करीब 10 ये प्राइजेस जहाँ पर दाम 20,800-20,900 तक देखेंगे। लेकिन ओवरऑल एक रुझान जो है जीरे में स्पेसिफिकली वो साइडवेज ही होगा, और मैं समझता हूँ कि 20,800-900 के बीच हमें दोबारा मांग जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो हल्दी में मुझे महंगी के आसार दिखाई दे, धनिया जो है सीमित मंदी होगी, और जो जीरा है उसमें जो एक साइडवेज का कारोबार जी। अमित जी, M6 कॉटन की बात करें तो M6 कॉटन में देख रहे हैं कि 50,000 के ऊपर ट्रेड करने के बाद अब 46,000 तक के जो लेवल्स हैं M6 कॉटन दिखा चुकी है। अब ये जो करेक्शन आई है, क्या वो फर्दर नीचे में कहां तक इंक्रीज हो सकती है? जी देखिए, जिस प्रकार हम पहले भी बात कर रहे थे कि हालांकि तेजी का रुझान था, लेकिन यहाँ तक बहुत सावधानी से तेजी करनी चाहिए, क्योंकि हमने काफी लंबी तेजी आते हुए देखकर काफी सारे टारगेट पोजिशनली जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, चाहे वो 45,500 हो या फिर 48,500 एक अपडेटेड टारगेट था, उसके बाद 50,200 का लक्ष्य था, ये तीनों ही लक्ष्य कहीं ना कहीं हासिल होते हुए देखे, और उसके बाद मार्केट ने गिरावट दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कुछ समय तक हम एक प्रोलॉन्ग करेक्शन जिसे कहते हैं वो हम देखेंगे, या हमें कुछ समय तक हम करेक्शन का रुझान आते हुए देखेंगे, जिसके बाद प्राइसेस जो है दोबारा समझ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि 48,500 के ऊपर जब तक दोबारा प्राइसेस नहीं जा पाती है, सेवन गाइड का रुख रहेगा, और 45,500 तक के भी लेवल हमें देखने मिलेंगे।
जी अमित जी, कॉटन सीड ऑयल की बात की जाए, बिनौला खल की बात की जाए, तो बिनौला खल में हमने लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट होते हुए देखी है, 2800-2900 तक लेवल्स जाते हुए नजर आए हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए अमित जी, तो क्या बिनौला खल अभी भी 3000 के ऊपर ट्रेड करने की ताकत रखता है? क्या बिनौला खल में अभी भी तेजी बची हुई है लॉन्ग टर्म के लिए? जी, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मैं एग्री करूंगा कि तेजी बनेगी 3000 के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है मैं समझता हूँ कुछ समय और यहाँ पर जो ट्रेड होता हुआ दिखेगा, यानी 2700 के स्तर जो है वो नहीं टूटेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम 3000 के ऊपर भी फिलहाल यानी 2 से 3 हफ्तों की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं जाएगा, लेकिन आप एक कॉशन की बात करें मुझे लगता है कि 3200 तक के भी लेवल हमें देखने लगेंगे, तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज रहेगा या फिर एक एक्युमुलेशन फेज जिसे कहते हैं, जहाँ पर प्राइसेस थोड़ी सी थम जाती हैं, वो हमें देखने मिलेगा। उसके बाद दोबारा जैसे हम जो लास्ट क्वार्टर है इस साल के कैलेंडर ईयर के उसके करीब जाएंगे तो हमें तेजी का आसमान दोबारा देखने मिल सकता है। जी अमित जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि ग्वार में सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से जो कीमतें थी हमने नीचे जाती हुई देखी लेकिन फिर यहाँ पे स्टक हो गई, तो आपको क्या लगता है अब ग्वार में जो तेजी आएगी वो कब तक एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, फिलहाल जिस प्रकार आपने बताया कि समय दायरे में ही कारोबार है, तो अग्री करता हूँ उससे कि कुछ समय और ये जारी रहेगा, चलेगा जहाँ पर ये दायरा होगा वो ग्वार फील्ड के लिए 1800 का होगा, हालांकि जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 5650 का है, मैं नहीं समझता उसके नीचे प्राइस जाती रहेंगी, लेकिन खुद में मेरा मानना है कि हम 6200 के ऊपर भी जाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी, पोजिशनल यहाँ पर अगर लिया जाए तो अगेन 600 से 7000 तक का है, लेकिन उसे आने के लिए मेरा मानना है कि कम से कम 1 से 2 महीने का एक समय लगेगा, क्योंकि जून का भी करीबन जो शुरुआती हफ्ते हैं करीबन 2 हफ्ते एटलीस्ट जी। अमित जी, कैसे सीड की बात की जाए तो कैसे सीड में हमने रिसेंटली 7700 के ऊपर भी ट्रेड होते हुए देखा है, अब देख रहे हैं 7500 के लेवल्स पर आ गया है। अमित जी, ये जो 7700 के लेवल्स कैसे सीड में देखने को मिले थे, तो इससे आपको क्या लगता है क्या लॉन्ग टर्म में कैसे सीड 8000 या फिर उसके भी ऊपर ट्रेड कर सकता है? जी, लॉन्ग टर्म में कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि विशेष तेजी देखने मिलेगी, क्योंकि 7600 के ऊपर हम वीकली बेसिस पे जो है कंसेंसस बनता हुआ नहीं दिख पाए, यानी जो बाहर थे उन्होंने अपनी पोजिशन रिवर्स कर दी और दोबारा नीचे रुक कर दी रखा जी, मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस 7400 से 7450 के करीब हम एक एक्युमुलेशन का दौर देख पाएंगे, तो कुछ से कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखेगी जहाँ पर 7600 के करीब रेजिस्टेंस और 7400 के करीब सपोर्ट होगा, वहाँ पर जो पोजीशन बिल्डअप होगी वो हो सकता है कि कुछ समय बाद दोबारा प्राइसेस को तेजी की तरफ लेके जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक हफ्ते से 10 दिन का पीरियड अगर लिया जाए तो यहाँ पर भी एक दायरा बना रहेगा जो काफी सीमित दायरा होगा 200 पाउंड का। जी अमित जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज के लिए? जी, मेरा मानना है कि हल्दी में दिवाली करके चल सकते हैं, यहाँ पर एक दिवाली का दौर जारी रहेगा, साथ ही अगर मैं ग्वाल कॉम्प्लेक्स में देखूँ तो फिलहाल नीचे की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन अगर 5800 से 5700 प्राइस मिलती है तो वहाँ से दोबारा तेजी की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार क्लोज होने से पहले कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आने वाले समय में कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए वसित नहीं, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।